सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में आजकल भारी रक्त की कमी चल रही है। अस्पताल में करीब 100 यूनिट रक्त प्रतिमाह की खपत है, लेकिन आजकल अस्पताल में ब्लड बैंक में केवल 4 से 5 यूनिट रक्त ही मौजूद रहता है, जिसकी वजह से अगर कोई आपातकाल में रक्त लेने आता है तो पहले उसे डोनर साथ लाने की सलाह दी जाती है ताकि ब्लड बैंक में रक्त बिल्कुल समाप्त न हो जाए। ब्लड बैंक के सीनियर लैब टेक्नीशियन देशराज ने बताया कि रक्त की कमी को केवल रक्तदान शिविरों के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है, लेकिन आजकल शिविर न लगने की वजह से ब्लड बैंक खाली होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि ये रक्त की कमी न केवल सोलन में है बल्कि शिमला में भी ब्लड बैंक में भी रक्त की मात्रा में भारी कमी देखी गई है, जिसके चलते उन्होंने भी सोलन अस्पताल में रक्त देने से मना कर दिया है। यही कारण है कि वे लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि अस्पताल में रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। आज हमारे यहाँ पर ब्लड की बड़ी शॉर्टेज चली हुई जी, कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है, एक या दो यूनिट हमारे पास पड़ा रहता है एक ग्रुप का, जैसे ए के हमारे दो ग्रुप पड़े हुए, बी के दो पड़े हुए, ओ का एक पड़ा हुआ है, ऐसे ए बी का एक पड़ा हुआ है। आज इन दिन हमारे कैंप लग रहे काफी टाइम से, 1.5 महीना हो गया, शिमला से 22 लोगों को कॉल कर रहे हैं जिन्होंने अपने नाम लिखाया तो लिस्ट में, वो आ रहे और इसका पूर्ति कर रहे हैं। शिमला में भी कमी है, शिमला में भी शॉर्टेज चली सर, वहाँ भी फोन किया हमने, वहाँ भी कमी चली हुई है। इस पेशेंट बड़े बड़े पेशेंट आ रहे हैं ना, लोग ऑपरेशन को आते हैं जगह जगह नहीं, फिर इसके अलावा हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के यहाँ पर खुले हुए उनको भी बढ़ जाता है, इसलिए भी कमी आती है।